अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं रहमान असर और वक्त हो गया है हेडलाइंस का। वज़ीर आज़म ने कराची के लिए एक और मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। फोर्ट कासिम कोल पावर प्लांट से पहले मरहले में 660 मेगावाट बिजली पैदा होगी। नवाज शरीफ कहते हैं तवानाई बहरान पर काबू पाए बगैर तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। एमकेएम ने लापता कारकुनों की बाजाबी के लिए एहतजाजी धरने का फैसला मौखर कर दिया। साबता कमेटी का कहना है कि उम्मीद है सिंध हुकूमत वादे पूरे करेगी। पोलियो के बायस सफरी पाबंदी के बाद हुकूमत की फुर्तियां, कल अहम इजलास बुला लिया। सायरा अफजल तारड़ कहती हैं सफरी पाबंदी और पोलियो सर्टिफिकेट के हवाले से कोई डेडलाइन नहीं दी गई। इमरान खान कहते हैं धांधली शुदा जमहूरियत से हालात बेहतर नहीं हो सकते। 11 मई का एहतजाज तारीखी होगा। धांधली में मुलव्वज़ अफराद को सजाएं मिलनी चाहिए। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि इमरान खान वजीर आजम न बनने का बदला जमहूरियत से न ले, सड़कों पर तमाशा लगाने से गुरेज किया जाए। तारिल कादरी तब्दीली चाहते हैं तो मुल्क में आकर बैठे। परवेज मुशर्रफ की रीढ़ की हड्डी के दो मोहरों में फ्रैक्चर है, डॉक्टर्स ने बैरून मुल्क इलाज तजवीज किया। साबिक सदर की मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी गई। पाकिस्तान और ईरान इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले के लिए हॉटलाइन के क्याम पर मुत्तफिक हो गए। दोनों ममालिक का सरमायाकारी बढ़ाने पर भी इत्तफाक। सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबर, बजट में तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। 37 खरब का टैक्स फ्री बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। पेरिया टाउन के सरबराह मलिक रियाज के भाई मेजर रिटायर्ड तारिक मलिक लाहौर में सबको देखा, रिश्तेदार और दोस्त गम से नढ़ाल। पिशावर में पीपल्स पार्टी की तकरीब के दौरान जियाले लड़ पड़े, कुर्सियां चल गईं। और वकार यूनस कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर। दूसरी जानब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहम्मद अलियास को चीफ सेलेक्टर पीसीबी के ओहदे पर बहाल कर दिया।